रुपया तुम्हारे कमरे में है। दिमाग खराब हो गया, यहाँ पे क्यों होगी? अरे पूरे घर में कहीं नहीं, अंदर देखो शायद हो। मेरा ना दिमाग खराब मत करे, जाए उनको जाके बाहर ढूंढे। अजीब बदतमीज लड़की है। चलो यहाँ पर क्या हो गया? तुम्हारी माँ किधर है? माँ को तो मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। अरे बंद करो ये मुश्किल काम, रुपया का पूछ रहा हूँ। माँ वो किधर है? बेबी अंदर सो रही है। क्या लग तुम्हारी शक्ल में बात हो गई है, बेबी सो रही है। एक से एक बेवकूफ है। और में जाए क्या हो गया सुल्तान जी, फटाफट अखबार क्यों पढ़ रहे हो, पागल हो गए? अरे भाई आपको तो पता है मुझे मुताले का कितना शौक है, और आपका घर में ठेरे नेरे जाहिल पूरा घर छान मारा, एक किताब नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से किचन के शेल्फ से ये पुराना अखबार लाकर पढ़ रहा हूँ भाई। अपने उर्दू मुताले का रोग मुझ पे डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हुआ, डॉलर फिर गिर गया क्या? तुम गिर गए हो मेरी नजरों से, रुपया नहीं मिल रही। कहाँ है रुपया? अपने कमरे में होंगी। इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम अखबार में ही घुसे हुए हो, बहुत शौक है ना तुम्हें मुताले का। ये लो, ये लो। अब ये जोर जोर से अपने मुताले का शौक पूरा कर लेना तुम। अरे पूरा मेरा अखबार फाड़ दिया, ये क्या? फिरोज, बहरोज, बिस्मा, उस्मा, सुल्तान, शहरी, कहाँ हो भाई? जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? सोने भी नहीं देते सही से। यार अभी तो आधा दिन गुजरा और आप अभी से चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन पानी सर से गुजर चुका है, रुकैया भाग गई है। कब और किसके साथ? ये सब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे धोखा देके भाग गई है। एक मिनट, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि अम्मा भाग गई हैं? क्योंकि वो घर में आई नहीं। अरे ये भी तो हो सकता है, कहीं बाहर गई हो। अगवा भी तो हो सकती है सुल्तान। अरे अजीब बात कर रहे हो तुम लोग भाई, घर से ज्वेलरी और कैश गायब है, मुझे पूरा यकीन है वो भाग गई होगी और आईजी के साथ भागी होगी। पिछले दिनों वो दोनों आसस के बातें भी कर रहे थे। अरे नहीं भाई, नहीं भाग सकती, हो सकता है घर में डकैती पड़ी हो। अरे तो डाकू ज्वेलरी और कैश के साथ साथ रुकैया को क्यों ले गए, उसमें क्या सुरखाब के पल लगे हुए थे? तो आपको क्यों नहीं मालूम कि रुकैया खाला कहाँ है, कहाँ थे आप? अरे भाई असल में मैंने सहरी थोड़ी ज्यादा कर ली, मैं चहल खदने के लिए निकला था, वापस आया तो रुकैया अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन मैंने एक एक का दरवाजा खटखटा के पूछा है, पूछ लो इन सबसे, पूछो इन सबसे। नहीं 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 अम्मा ऐसी हरकत नहीं कर सकती, आपने पड़ोस में कंफर्म किया, हो सकता है वहाँ हो। जाओ भाई शहरी पूछ के आ जाओ ताकि इनकी तसल्ली हो जाए, इनकी माँ भाग गई। और बहरोज बेटा खबरें लगाओ खबरें। अरे पापा खबरें नहीं देखे, आजकल बहुत डरा रहे हैं उसमें। अरे लगाओ भाई लगाओ। इतनी सी बात के लिए ना ना हमें उठा दिया, चलो भाई चलो फिरोज। पापा चला दो बेटा भाई चला दो, हाथ हिला हिला लो थोड़ा सा। यहाँ रहता हूँ मैं पापा। अरे ये कैसी जगह है अजीब सी है, अल्लाह माफ कर दे। और ये क्या, अरे इतनी सी झोपड़ी, इतनी सी झोपड़ी में रहता है? डीसी खुलेगी ना तो मैं बड़ी वाली झोपड़ी ले लूंगा। जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो शादी क्यों कर रहा है भाई? पापा मैंने सुना है मेरी शादी हो जाएगी ना तो आने वाली लक्ष्मी लेकर आएगी। नहीं नहीं मुजाहिद, ये सब कहने की बात है, हमारे घर में चार चार लड़कियां काल पड़ा हुआ है पैसों का। देखो पापा लड़की वाले आए ना तो उन्हें पता ना चले कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे तू बेफिक्र हो जा, माँ तो मैं ऐसी बनूंगी कि वो भी याद रखेंगे। और मुजाहिद तू ये क्या कर रहा है? मैं तुम्हें बांध रहा हूँ और अब जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे ना तो तुम यहाँ से जाओगी नहीं है? बात सुनो मेरी रुकैया खाला, तुम अगवा हो चुकी हो ठीक है, अब हसमत जब तक मुझे पैसे नहीं देगा ना तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती, तुम्हारी लाश जाएगी अगर पैसे नहीं मिले तो। क्या पागल वागल तो नहीं हो गया है? कॉल मुझे हाथ नहीं मारना, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे टच भी किया ना मैं नाक पर टक्कर मारूंगा आपा। तू मुझे डरा रहा है? आए, आए, मिक्की माउस लग रहा है कसम से बस। अरे बंद करो ये ना उसे फैलाना, और तुम लोगों का भी मुंह लटका कर बैठने का कोई फायदा नहीं है, मान लो मेरी बात, रुकैया भाग गई है। अरे नहीं भागी अम्मी, यही कहीं होंगी मिल जाएंगी। मेरी छटीस कह रही है मामा अगवा हो गई है। तुम्हारा दिमाग की बाकी पांच चीजें बिल्कुल काम नहीं करती है, हर दफा छटीस की सुन तो और वो हमेशा गलत कहती है। मान लो मेरी बात, मैं सही साबित हो चुका हूँ, मैं हूँ वन वुमन मैन। नहीं 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 मेरी माँ का आंचल बिल्कुल साफ है, आप कुछ भी कहानियाँ बनाते रहे बस। अब्बा आस पड़ोस के हर घर में देख लिया, रुकैया खाला कहीं भी नहीं है। देखा देखा भाग चुकी है वो। हेलो क्या रुकैया खाला हो गई? क्या क्या रुकैया अगवा, क्या क्या कह रहा है? सुनो सुनो। अरे लाइन कट गई मुझसे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अगर किडनैपर का फोन होता तो ये लाइन कभी नहीं काटता। अरे भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। मैंने कहा था ना मेरी माँ का दामन बिल्कुल पाक है। क्या पता भागने के बाद किसी और से कॉल करवा दियो ताकि उस पे शक ना जाए, अक्सर लड़कियाँ भागने के बाद यही करती है, मैंने फिल्मों में देखा है। कितने आदमी थे? भूल गया दोबारा गिन ले। सुना नहीं मैंने कहा कितने आदमी थे?
ये कुत्ते की आवाज नहीं, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। है? ये बेल्ट कहाँ से लाया? और ये बाल मुर्दों के होते हैं, कमबख्त मारे जुए पड़ जाएंगी, निकाल के फेंक, वैसी गंजा हो रहा है। तेरे दामाद ने बुढ़िया मेरा सारा गेम खराब कर दिया, मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी और फोन काट दिया। मेरे पास तो बैलेंस भी नहीं है फोन करने के लिए। ये तो अच्छा नहीं कर रहा मुझाई, तूने हर्षु की बीवी को अगवा किया है। अब देख हर्षु तेरा क्या हशर करेंगे। अरे तेरे हाथ नहीं कांपे। अब मैं बदला लूंगा अपनी जलालत का, अपनी बेइज्जती का, मुझे जो पैसे खाए उसका, और ना जाने क्या क्या नाइंसाफियां की है उसका। अस्मत अगर एक देव है तो उस देव की चिड़िया में जान है ना, वो चिड़िया मेरे पास है। है? चिड़िया? अरे मुझे तू मुझे चिड़िया कह रहा है? मैं चिड़िया जैसी लगती हूँ। ओए बुढ़िया चुप। अब अगर एक लफ्ज भी निकाला ना बुढ़िया। बाल मुंह में आ गए। अरे मुजाहिद कहाँ कॉल कर दी, किडनैपर्स की कॉल आने वाली है, रखे फोन। अरे क्या वो फोन क्यों काट दिया? अरे फजूल में मुजाहिद की कॉल आ रही थी, आपको पता है इस वक्त फोन बिजी रखना सही नहीं है। अबे यार ये कौन लोग है, बात पूरी सुनते नहीं है फोन काटते थे। हेलो मुजाहिद, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, बार बार कॉल मत करे। अजीब अकल से पैदल इंसान है ये मुजाहिद। मुझे तुम अकल से पैदल लग रहे हो, उसकी बात तो सुन लो, क्या पता उसे रुकैया के बारे में कुछ बताओ। अरे 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 फिर कॉल आ रही है। लाओ मुझे तो मैं बात करता हूँ। हेलो। अरे अस्मत मुन्ना, तेरी रुकैया को मैंने अगवा किया है। क्या रुकैया को तुमने अगवा किया है मुजाहिद? अरे हाँ मुन्ना, मैंने अगवा किया है, जो कर सकता है कर ले, नायक नहीं कल नायक हूँ मैं। अब मेरी बात कर भाई, मेरी बात कर भाई। मुजाहिद तुमने रुकैया खाला को अगवा किया? अबे हाँ भाई मैंने किया, स्टाम्प पेपर पर लिख के दूँ क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई माँ जैसी औरत को अगवा करते हुए? पूरी बात बताने बैठा ना तफसील से, तो मेरा बैलेंस उड़ जाएगा, कुछ बैलेंस नहीं बचा इसके अंदर। मेरी बात करा सुल्तान से। मेरी बात करा। हेलो हेलो मुजाहिद, तुमने रुकैया खाला को अगवा किया? तुम तो पापा के पार्टनर थे, तुमने पापा को भी धोखा दे दिया। अबे हाँ भाई हाँ, मेरा बैलेंस आया होगा। अरे इधर तो मेरी बात करवाओ। हेलो मुजाहिद, तुमने अम्मी को अगवा कैसे किया? मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ बेबी मैंने अगवा किया, ले अपनी माँ से बात कर। बिस्मा उस्मा मुझे बचाओ, ये खूंखार भेड़िया हुआ हुआ मेरी जान जुड़ाओ, ये मुझे मार देगा, मार देगा मुझे। लो मेरी बात करो। हेलो मुजाहिद, तुमने अम्मा को अगवा किया है? मैं किस किस को बताऊं कि हाँ मैंने अगवा किया है? अरे मोबाइल का लाउड स्पीकर खोलो, अहले मोहल्लों को भी सुना दो कि हाँ रुकैया को मैंने अगवा किया है, मेरे पास है। हाँ मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। मुजाहिद आखिर तुम चाहते क्या हो? 2 करोड़ रुपए। ये तो मेरे मुंह से नहीं निकल रहे, मैं अरेंज कहाँ से करूँगा? तो ठीक है फिर रुकैया को मैं मार देता हूँ। हाँ ठीक है मार दो, मेरे पास नहीं है 2 करोड़ रुपए। ये क्या किया? अरे भाई 2 करोड़ रुपए मांग रहा था। अरे तो 2 करोड़ मांग रहा था तो फोन काट दोगे? बार्गेनिंग तो करते पागल के बच्चे। ये मुजाहिद को आखिर हुआ क्या है? उससे इंतकाम की आग में अंधा हो गया अंधा। मगर इतनी बड़ी रकम का बदलो हम लोग करेंगे कैसे? मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम नहीं है भाई। कितनी? पता नहीं लेकिन इतनी रकम अकेले नहीं उधर सब मिलकर जमा करें ना। हाँ ये बात तो है। फिरोज सुल्तान फिरोज आज जिसके पास जो भी रकम है यहाँ ले आओ, और जेवर वगैरह और जो भी बेचते की चीजें वो सब ले आओ, हम सब मिलकर पैसे जमा करेंगे, रुकैया को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जबान बेच दूंगा, सारी जिंदगी को कराऊंगा मैं। लेकिन बेटा जो चीज तुम्हारी है नहीं वो तुम कैसे बेचोगे? तुम्हारे अपने मुंह में तो बिस्मा की जबान है। मैं अपना जिगर बेच दूंगा, अगर वो मेरी माँ नहीं पर माँ जैसी तो है, पापा की वाइफ तो है, माँ के बिना जिंदगी अधूरी होती है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। जाकर पहले अपनी वाइफ से एनओसी लेकर आओ, जिगर बेच दे। मैं अपनी आँख अपनी नाक अपनी कान अपने पैर एक एक जिस्म का हिस्सा बेच दूंगा अपनी रुकैया खाला के लिए। चलो अभी तुम्हारी आगे बेच के आते आओ। नहीं पहले ये लो, इन लोग से पैसा तो जमा कर दो भाई। और आप क्या करेंगे? आप यहाँ हाथ पे हाथ धरकर बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? मुझे तो आप पे शक हो रहा है। अरे भाई मुझ पे शक करने की जिंदगी में और भी मौके आएंगे, अभी रुकैया की जान बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, सब जाके रकम का इंतजाम करो, मेरे लिए रकम से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। मेरा मतलब है रुकैया से ज्यादा अहम मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, आओ शरीफ बेटा आओ, तुम आज आज आज। अच्छा अरे अब्बा हम यहाँ आए क्यों हैं? पैसों का इंतजाम करने के लिए। यार मैं समझ रहा था पैसे हमें छीन गए। बात खराब है, अब क्या हम स्केचिंग करेंगे? कुछ चेंज क्या? यार
कौन है बे? अबे ये कौन है? अरे भाई मुजाहिद, ये बताओ रुकैया ठीक है? रोजा वोजा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं वहाँ सब सेट है, आप बताओ सब ओके की रिपोर्ट है ना? वो सब ओके है, लेकिन तुमने भाई 2 करोड़ रुपए क्यों मांगी? मैंने तुमसे कहा था कि सुल्तान के पास 20 लाख रुपए का चेक है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाहमत भाई, 2 करोड़ रुपए का घर भी तो है। बेवकूफ कहेंगे, वो मालिक मकान का घर है, वो हम थोड़ी बेच सकते। और ये बताओ रुकैया को मुझमें शक तो नहीं हुआ? कहाँ से शक होगा अशमत भाई, मैंने उसके सामने आपको ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी, 3-4 तो नई गालियाँ भी बनाई है, सुनाऊँ क्या? अरे क्या है अशमत भाई, बैटरी को समझा के तो लाया करो। तुम जाओ, ख्याल रखो, ठीक है? सब संभालो। अम्मा आपने मुझे रोका क्यों? ये आपको इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा, मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। खुद बाप की दर्शक बेइज्जती कराते हो, मैंने उससे कहा था गालियां देने के लिए। क्यों? ताकि रुकैया को शक ना हो कि मैंने उसे अगवा कराया। अच्छा, मुझे ठीक कहता है, डाइंग बिना सात घर छोड़ जाती है, मुझे मेरा कमीशन चाहिए। कमीशन चाहिए? तुम्हें पता है तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मतलब लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे पसंद करती है, पैसे की वजह से शादी नहीं करती। और नहीं तो क्या, कई लड़कियां मुझसे तुम्हारा पूछती है, मैसेंजर में आके कह रही है शादी का व्हाट्सएप नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो। अपना नंबर दिया? मैंने अपना नंबर दे दिया, मुझे रात में कह रही है गुड नाइट। खैर छोड़ो भाई, सुल्तान की कौन से आगे औलाद है जो पैसे उसके काम आएंगे? अच्छा उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो, कमीशन मांग रहे हो, लानत है। अरे छोड़ो यार, अरे सॉरी। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया जल्दी? हाजी साहब, आपको इसलिए बुलाया कि रुकैया खाला अगवा हो चुकी हैं। कब, कैसे? आज सुबह। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पूरे शहर की नाकाबंदी कर देता मैं। क्या डिमांड की किडनैपर ने? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? मैं 4 करोड़ दूंगा। अशमत को तो रुकैया की कदर नहीं है, रुकैया अनमोल ही रहा है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पापा का शक आप पे बिल्कुल ठीक है। मतलब ये क्या, आपके पास 4 करोड़ रुपए? मैंने बड़े तरीके से पैसा कमाया, मेरा मतलब है कि हम लोग खानदानी रईस हैं। क्या बात कर रहे हैं आई साहब, ये पिछली दफा तो आपके पास मतलब एक रुमाल चेंज करने के तो पैसे नहीं होते थे, अब कैसे रईस बन गए? अरे तुम सिर्फ ये बताओ किडनैपर कौन है? मुजाहिद ने किया रुकैया खाला को किडनैप, और मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर अशमत अंकल की कोई गेम है। नहीं नहीं, अरे आप क्या बात कर रही है, मुजाहिद तो खुद बहुत बुरा भला कह रहा था, ये कोई बदला वाली कोई गेम लग रही है मुझे। हाँ सब देख लो, कौन बदला ले रहा है और कौन गेम खेल रहा है, अब रुकैया को लाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेगम, आप इतना क्यों परेशान हो रही है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना भाई। अगर कुछ कम पड़े तो मेरे पास ये 750 रुपए के करीब है, बकाया मेरे पास कुछ कपड़े, जूते, घड़ी वगैरह, वो अगर आप बेचेंगे तो 5-6 हजार उसमें से आ जाएंगे। ये रकम तो बहुत कम है। अब तो बाजी, अब आपको इंतजाम करना पड़ेगा ना, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, अब सुल्तान भाई सबसे ज्यादा अमीर है इस घर में, हर बार सुल्तान ही करते हैं बंदोबस्त रकम का। तो अभी भी कर लें भाई, मैं बहुत ही सखी और दरिया दिल इंसान हूँ, और ये सखावत मैंने हशमत अंकल से सीखी है। ओह, मगर एक मसला है, मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं है, वो असल में मैंने पार्टी को कर दिए, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, 3 दिन में पेमेंट आ जाएगी मेरे अकाउंट में। बिस्मा, तुम्हें एटलीस्ट बहरोज को जॉब तो करवानी चाहिए ना, सुल्तान अकेले आकर कब तक इस घर को सपोर्ट करेंगे? देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझे ताने दे रही है, ये नहीं कि कोई नौकरी कर लो। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी बेबी का दिल दुखा दिया, बस अब मैं जा रहा हूँ नौकरी करने। पागल हो गए हो क्या, ऐसे कौन देगा तुम्हें नौकरी? बैठ जाऊंगा किसी सड़क पर बेलचा फावड़ा लेकर, कोई खुदा तरस बनाएगा कुछ नहीं तो मेरी झोली में राशन डालकर ही चला जाएगा, वो राशन बेच बेच कर पैसे जमा कराता रहूंगा। बहरोज, रकम का बंदोबस्त आज ही करना है, 50 सालों में नहीं। हेलो रुकैया, तुम्हारे पास है? सब बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं, तुम कौन? ये बताओ कितने रकम चाहिए रुकैया के बदले? 2 करोड़। तुम हो कौन? 4 करोड़। हा? 4 करोड़, ये कैसा नाम है? रुकैया के बदले में 4 करोड़ दूंगा तुम्हें। 4 करोड़? डने बल्कि 2 मिनट। अबे जिसकी बीवी है पहले उससे तो पूछ लूं। भाई आपको मैं 5 मिनट बाद मिस कॉल मारूंगा, आप फोन कर देना, मेरे पास बैलेंस नहीं है, ठीक है? शाहिद की कॉल। हेलो, हाँ मुझे रुकैया आपा की बड़ी डिमांड आई है। अभी से बात करो। अरे रुकैया खाला के कोई 4 करोड़ देने को तैयार है। क्या 4 करोड़? फौरन भेज दो, आके बंद करके सौदा करो और उसे बोलो पैसे देने के लिए बनारस की पहाड़ी पर आ जाए। बनारस तो बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं?
नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा पैसे लेने के लिए। धोखा मत दे देना। अरे नहीं होगा धोखा, इसी बात में। 4 करोड़? 4 करोड़? 2 तेरे 2 मेरे 1 तेरा 1 मेरा 2 करोड़ आए थे, अपना बिजनेस होगा, आधे ठीक रंचुलेन में आधे जामा किलट पे, और चड्डी बनियान का कारोबार करूंगा, चड्डी बनियान 2-2 रुपए। तो हमारे पास कुल मिलाकर जमा पूंजी ये है। मैंने टोटल रकम काउंट कर ली है, ये सिर्फ 19,434 रुपए। और इसमें 4,000 मैंने भी शामिल किए। पापा 750 तो मेरे भी हैं और 1,402 रुपए मेरे। आपका भी शुक्रिया। और ये मेरे तरफ से 550 रुपए के सिक्के। आप बाहर पैसे जमा करने के लिए गए थे, ये चिल्लर लेके आए। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जितना दम है मैं ले आया, अब मैं जाके सबके सामने हाथ नहीं फैला सकता। और सुल्तान बेटा, आपने वो 20 लाख रुपए का चेक शामिल किया? ये आपकी नजर हमारे पैसों में क्यों होती है? आ, 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 आ। वो ग्रॉस चेक है, 3 दिन बाद कैश हो जाएगा। अरे अजीब आदमी हो, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, सारी प्लानिंग आउट कर दी। प्लानिंग? मेरा मतलब ये है कि देखो, किडनैपर ने 2 करोड़ रुपए मांगे, हमसे 19,000 रुपए लेके जा रहे हैं, 20 लाख 19,000 होते तो शायद कोई चांस था। अब हमारे पास जो कुछ भी है ये आप लेकर जाए, मुजाहिद के मुंह पर मारते और अम्मी को वापस लेकर आइए। ठीक है, देखो भाई ये मिशन मुश्किल है, इस मिशन पे मेरी जान भी जा सकती है, तो खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद और सुल्तान तुम्हारे नाम नहीं कर रहा बेटा, तुम्हें गवाह बना रहा, गवाह बना रहा हूँ। तो मेरी तमाम जायदाद मेरे वली अहद, मेरे जानशीन, मेरे बेटे शहरी के नाम। थैंक यू अब्बा, आई लव यू सो मच। इट्स ओके। और अगर खुदा ना खास्ता इस मिशन पे शहरी को कुछ हो गया तो मैं वापस आके बताता हूँ क्या मिशन। रुकैया कोई एक्साइटेड नहीं, चल बेटा चल सब सारे उठा लेंगे, देखो 1-2 रुपए भी ऊपर नीचे होना तो बात खराब हो जाती है। आओ हेलो मुजाहिद, मिल गए 4 करोड़ रुपए, बस उसमें से 2 करोड़ मेरे साइड पे कर दो। मैंने सोच लिया 1 करोड़ रुपए की तो मैं अय्याशी करूंगा, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और आखिर में बांग्लादेश से चक्कर लगाता आऊंगा। अरे हो सिक्सली की औलाद, सारे अंडे टूट गए। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पैसे लेके नहीं आया, हमें कोई बेवकूफ बना रहा था और घर वालों के पास भी पैसे जमा नहीं हुआ, सिर्फ चिल्लर जमा हुआ। एक काम करो, तुम रुकैया को छोड़ दो और शहर छोड़ के भाग जाओ, ठीक है? बाय। हस्बैंड भाई हेलो, तुमने भी क्यों पहनी है? अरे भाई खुद ने पहनी तो मैं नहीं पहन सकता। मैं तो हुलिया बदल के जा रहा हूँ, कितने पर मुझे ना पहचान बेवकूफ पहन के। आ गया आ गया, अब मैं हो गया इन पर। जरूर दाल में कुछ काला है, दाल काली है। शेरी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ शेरी मेरे दोस्त, कहाँ है? अरे अब्बा के साथ आया हूँ बनारस पैसे लेने। हजमत का है? अबे अब्बा बंदे से पैसे लेने गए और मैं उनको कवर कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही फोन किया था। हजमत, तूने इस बार फिर से मुजाहिद को धोखा दिया। Hello boy, Rokaya, are you American too? Yes. I am Angus. Carl Angus. My mother African, my father American. Oh wow, my mother American, my father is African. Good. तो तुम औरतें लोग का रिश्ता? Yes. हमारे पास 10 औरतें बल्क में देगा तुमको डिस्काउंट, ओनली 28 करोड़ रुपए। No, please, one Rokaya. Yeah, farewell one. Yeah. So where is money? Yeah. 4 crore. Yes. Rokaya. Rokaya will incoming free. What? खुद से आ जाएगी। चल ठीक है। ओके बाबा। अरे वाह शरी, वो आदमी बड़ा तेज था, हुलिया बदल के आया था। अरे अरे नहीं नहीं। हाँ लेकिन खैर हमने तो पैसे ले लिए। पैसे ले गए? हाँ पैसे ठिकाने लगाते और हुलिया बदलते। अरे बम, अब तो मेरी शादी हो जाएगी ना? यही कराते मर रहे हैं शादी के लिए। चलो तुम निकल यहाँ से, यहाँ से चलो, छुपके छुपके जाओ, आगे गोलियां भी चल रही है। आप परेशान ना हो, आप बैठ जाए, आप थक जाएगी मैं भी थक जाऊंगा। तो बहरोज तुम बैठ जाओ ना, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि चलो। ये मेरी गलत गवारा नहीं कर रही। अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पैसे दे दिए, किसी वक्त भी रुकई आ जाएगी। आईजी साहब आप समझ नहीं रहे हैं। जी आईजी साहब, जब तक अम्मा नहीं आएंगी मुझे तो बिल्कुल चैन नहीं आएगा। अरे तुम्हें क्या, जब तक मैं अपनी आंखों से रुकैया को ना देख लूं मुझे भी चैन नहीं आएगा। आओ भैया
अरे अजी साहब आप भाई कैसे आना हुआ? अरे घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, रुकैया अगवा हो गई और तुम मुझसे बोल लो कैसे आना हुआ? ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें किसने बताया? तुम बीच में आने वाले होते कौन हो? ये पुलिस केस है और आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। हाँ, फिर तो ठीक है, चाय पियेंगे? भाड़ में गई चाय, आप भी पैसे लेके गए थे ना, क्या हुआ? हाँ, हम तो चिल्ला लेकर गए थे, किडनैपर की हट गई, कह रहे जब सुल्तान के पैसे कैश हो जाए 3 दिन बाद तो आगे रुकैया को ले जाना, पैसे आ गए तो रुकैया आ जाएगी, नहीं तो वो लाश भेज देगी। क्या बातें कर रहे, पागल हो गए क्या? हाँ ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ, हो सकता है हमें लाश लेने खुद जाना पड़े। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं सुल्तान बेटा, पैसे तो आ जाएंगे ना 3 दिन में। भाई इसकी जरूरत नहीं है, किडनैपर को मेरी पूरी बातचीत हो चुकी है, उससे मैंने कहा था तुम 2 करोड़ अस्मत से मांग रहे हो ना रुकैया के, मैं तुम्हें 4 करोड़ दूंगा, रुकैया मेरे हवाले। तो वो 4 करोड़ रुपए देने आप खुद गए थे? मैं खुद गया था अंग्रेज के गेटअप के अंदर। क्या खुसर हो रही है? हाँ नहीं, बच्चा कह रहा है कि आप तो काले अंग्रेज लग रहे होंगे। उसने भी यही कहा था। तो कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा, है ना, है ना, है ना। पैसे तो दे दिए मगर अम्मा नहीं आई अभी तक। आइए रुकैया आपा, आ गए आपा। आईजी साहब यही है किडनैपर, गिरफ्तार कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपा को मैंने किडनैप किया है। आपा हम शर्मिंदा है, हस्मत तुम्हारे घर में दरिंदा है। क्या बकवास है, मेरे सब बातों से क्या ताल्लुक? आईजी साहब ये सारा प्लान किया हुआ इस हस्मत का है। यानी आईजी साहब झूठ बोल रहा है, मेरी तो इससे बातचीत बंद है, 3 दिन से हमारी लड़ाई है। नहीं नहीं आईजी साहब, इसी ने मुझे ये पट्टियाँ पढ़ाई है, और एक बंदे का फोन आया था कि रुकैया के बदले 4 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, ये मुझे टोपी देकर शेरी को साथ लेके चला गया। नहीं नहीं, पैसे देने में खुद गया था, लेकिन जो पैसे लेने आया था वो गेटअप में जरूर था, लेकिन हस्मत नहीं था। अरे वाह वाह वाह, क्या गेटअप के आईजी साहब भी नहीं पहचाने? क्या मेरे अफवाह में आपका हाथ? अरे रुकैया ये शरी था, शरी नहीं, शादी कराना चाह रहा था अपने, इसके लिए था। मारो शरी को, मारो, ठीक से मारो।